जिसके चलते नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा द्वारा वार्ड नंबर 2 के नाले का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि नाले में गंदगी का आलम बना हुआ है, जिसके कारण उन्होंने बताया कि शीघ्र ही नाले में फेंके कूड़े को हटाने के लिए नगर परिषद सफाई कर्मचारी लगा दिए जाएंगे और जिन जिन दुकानदारों ने नाले में कूड़ा फेंका हुआ है उनके चालान कर दिए जाएंगे, ताकि भविष्य में नाले की सुंदरता बनी रहे। ज्ञात रहे कि नगर परिषद द्वारा घर द्वार जाकर कूड़ा एकत्रित करने के लिए गाड़ी जा रही है, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि लोग व्यापारी वर्ग कूड़ा गाड़ी में ही डालें, ताकि शहर की सुंदरता को हानि ना पहुंचे। वहीं उन्होंने ऐतिहासिक नॉन की सुंदरता के बारे में बताया कि शीघ्र नॉन में सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग, अन्य सामाजिक संस्थाओं के सौजन्य के साथ मिलकर इस नॉन की सफाई की जाएगी, ताकि भविष्य में लोगों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। कुल्लू जिला के आनी खंड के अंतर्गत दलाश में ऋषि पंचमी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश के मशहूर लोक गायक बिक्की चौहान ने खूब धमाल मचाया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि गायन के लंबे करियर में अब तक उन्होंने 2 ही ऐसे गीत गाए हैं जिनमें नशे या नशीली चीज को जोड़ा गया हो, लेकिन अब वे कभी ऐसे गीत मंच पर नहीं गाएंगे। उन्होंने दूसरे कलाकारों से भी निवेदन किया है कि इस तरह के गीत ना गाएं जिससे संदेश नशा को जोड़ने वाला हो। बिक्की चौहान ने कहा कि कलाकार समाज का आईना है, खासकर जब कलाकार मंच पर हो और वे ऐसे गीत को प्रस्तुत करें जिससे युवाओं में नशे के प्रति उत्सुकता बढ़े, ऐसी कलाकारी से बचना होगा। उन्होंने कहा कि वे ऐसे कलाकारों को कलाकार नहीं कलंकार मानते हैं। रात्रि कार्यक्रम के दौरान बिक्की चौहान ने अपने चर्चित गीत तू आजा ले वैश मेरी कारो दी, नीरू चली घूमदी, चुरपुरा जाना चुरपुरा, झुमके वाली, भाई जी बात है ऐसी तथा सही पकड़े जी सहित अन्य कई चर्चित गानों को गाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। लोक कलाकार बिक्की चौहान ने बताया कि उन्होंने कलाकारी के जीवन में अब तक 2 ही गीत ऐसे गाए हैं जिसमें नशे की बात हो, लेकिन 2017 में गुड़िया कांड के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वे कभी भी नशे से जुड़े गीत नहीं गाएंगे। उन्होंने दूसरे कलाकारों से भी गुजारिश की है कि वे ऐसे गीत ना गाएं जिससे युवाओं को नशे के प्रति प्रोत्साहन मिले। कलाकार समाज का आईना है, कलाकार ऐसी चीज परोसे जिससे लोगों में सकारात्मक संदेश जाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 15 सितंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच खेले जाने वाले T20 मैच के लिए मेहमान दक्षिण अफ्रीका की टीम धर्मशाला पहुंच गई है। टीम विशेष विमान में सवार होकर दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची। कांगड़ा एयरपोर्ट पर HPCA पदाधिकारियों ने टीम का वेलकम किया। इसके बाद टीम को सीधे धर्मशाला ले जाया गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम 6 दिन तक स्टेडियम में दिन के एक सत्र में अभ्यास करेगी, जबकि भारतीय टीम सिर्फ 14 सितंबर को मैदान में पसीना बहाएगी। शेड्यूल के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका की टीम दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक स्टेडियम में अभ्यास करेगी, जबकि टीम इंडिया 3 सितंबर को दोपहर बाद धर्मशाला पहुंचेगी। इस दिन टीम अभ्यास नहीं करेगी। 14 सितंबर को दक्षिण अफ्रीका टीम सुबह 9 से 12 तक, जबकि भारतीय टीम दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक अभ्यास करेगी। प्रदेश की जयराम सरकार ने धर्मशाला में होने वाले उपचुनाव के लिए वोटरों को लुभाने को सरकारी खर्च पर जन आभार यानी लाभार्थी रैली कर डाली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश की जयराम सरकार ने धर्मशाला के सिद्धवाड़ी के जोरावर स्टेडियम में लाभार्थी रैली का आयोजन किया, जिसमें
में प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार को बधाई भी दी। उपचुनाव में बाहरी प्रत्याशी नहीं होने का राग अल्पाने वाले बीजेपी के धर्मशाला मंडल पर ही सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार को बगल में बिठाकर जयराम ने तपोवन स्थित जोरावर स्टेडियम तपोवन में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान धर्मशाला से जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी उसे 20,000 से अधिक मतों को लीड दिलाकर विधानसभा भेजा जाएगा। इसके लिए मंडल को और ज्यादा मजबूती से काम करना होगा। जयराम के मायने यहां समझने वाले हैं क्योंकि पार्टी प्रभारी मंगल पांडे के साथ हुई बैठक में मंडल पदाधिकारियों ने उपचुनाव में बाहरी प्रत्याशी का विरोध दर्ज करवाया था। जयराम ने उसी के अनुरूप अब मंडल पर ज्यादा बोझ डाल दिया है। सिद्धवाड़ी के जोरावर स्टेडियम में हुई लाभार्थी रैली के बहाने सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला उपचुनाव की ताल ठोक गए हैं। साथ ही धर्मशाला उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को 20,000 से अधिक मतों से जीत दिलाने का भी टारगेट दे गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने रैली को संबोधित करते हुए उपचुनाव में लोगों का समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता ने जो जीत लोकसभा चुनाव में दिलाई है वही शानदार जीत विधानसभा उपचुनाव में भी दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद किशन कपूर कांगड़ा चंबा के प्रतिनिधि बनकर विकास की गति देंगे तो धर्मशाला से जीत कर आने वाले MLA धर्मशाला के विकास को रफ्तार देंगे। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 100 दिन में बेहतर काम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को भी बधाई दी।